हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमें द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 पढ़ना है और व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, यानी अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आए, वो हमें इस वीडियो में पढ़ना है। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रुप। लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। In September, he began discussion for an uprising against the government. Bolsheviks supported in the army, Soviets, and the factory were brought together. Two conflict hai, jo provisional government aur Bolshevik ke beech mein jo conflict tha, wo dheere dheere badhte ja raha tha. Aur Lenin ko is baat ka dar tha ki provisional government abhi Russia mein dictatorship lagu kar degi. To is wajah se September mein usne jo hai is government ke virodh karne ke liye
दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. जो बोल्शेविक थे वो पूरी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरुद्ध थे. तो नवंबर 1917 में बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी नेशनलाइज कर दिया गया. मीन्स मैनेजमेंट का जो काम है और ओनरशिप वो सारी गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले ली. लैंड डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को जो है सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया. पहले जो है ये जितने भी जो है पूंजीपतियों के पास थी वो सारी लैंड को जो है सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और पीजेंट्स को अलाउ कर दिया गया कि वो उस पर कब्जा कर सकें. इन सिटीज बोल्शेविक इंपोज द पार्टीशन ऑफ लैंड लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट. जो शहरों में जो बोल्शेविक थी जो बड़े बड़े घर थे उनको फैमिली रिक्वायरमेंट के आधार पर डिवाइड कर दिया लोगों के बीच में. मीन जिनके पास बहुत बड़े बड़े घर थे उनको उनके परिवार के फैमिली के साइज़ के अकॉर्डिंग एक छोटा हिस्सा देकर बाकी जो है ऐसे होमलेस लोग जो थे उनके द्वारा उन लोगों के द्वारा उसे एक्वायर कर लिया गया या उन लोगों को उसमें रहने के लिए भेज दिया गया. दे बैन द यूज ऑफ ऑल टाइटल्स ऑफ अरल्स टू बीसी टू एसर्ट द चेंज. न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल फॉलोइंग इन क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 जिसमें सोवियत हैट्स को जो है इंक्लूड किया गया. जो है चेंजेस को जो है दर्शाने के लिए दिखाने के लिए आर्मी की और ऑफिशियल्स की यूनिफॉर्म में भी चेंजेस कर दिया गया. द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. बोल्शेविक पार्टी का जो है नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया. इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट. जो है नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने इलेक्शन करवाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए लेकिन वो मेजॉरिटी सपोर्ट हासिल नहीं कर पाए. इन मार्च 1918 डिस्पाइट ऑपोजिशन बाय द पॉलिटिकल अलायंस द बोल्शेविक मेड पीस एंड विद जर्मनी एट ब्रेस्ट-लिटोव्स्क. जो है जो जर्मनी के साथ जो उनकी लड़ाई चल रही थी 1918 मार्च 1918 में जो पॉलिटिकल जो उनके एलिज थे उनके विरोध के बावजूद जो है बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ शांति समझौता कर लिया. इन द ईयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक बिकम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत. आगे के कुछ सालों बाद जो है जो बोल्शेविक थे वो एकमात्र ऐसी पार्टी रह गई जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी. विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री. जो बाद में कंट्री की पार्लियामेंट बन गई. ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल. जितने भी जो ट्रेड यूनियंस थे उसे पार्टी के कंट्रोल में रखा गया. सीक्रेट पुलिस जो है बनाई गई ताकि ऐसे लोगों को पनिश किया जा सके जो बोल्शेविक लोगों को क्रिटिसाइज करते थे. तो इस तरीके से जो है बोल्शेविक लोगों ने जो है अक्टूबर के बाद से पूरे रशिया पर कंट्रोल करना शुरू किया. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू.